हाय यूट्यूब फैमिली, क्या आप हमेशा दाल मखनी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं? चलिए आज इतनी इजी रेसिपी से बहुत ही क्रीमी यमी टेस्टी दाल मखनी बनाते हैं कि जिसको कुकिंग नहीं आती है वो भी इसको इजीली घर पे बना पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए हमें साबुत उड़द की दाल चाहिए और राजमा चाहिए। ये मैंने 3:1 के प्रोपोर्शन में लिया है। आप अगर 3 कटोरी दाल ले रहे हैं तो 1 कटोरी राजमा ले लीजिए और इसको ओवरनाइट सोक करना है। अगर आपको इवनिंग में बनाना है तो आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए दिन में सोक कर सकते हैं। ये प्रपोर्शन इनफ है फैमिली ऑफ 4 के लिए। फिर मैंने लिया है 2 प्याज की प्यूरी, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसके लिए मैंने 1 इंच जिंजर, 7 से 8 कली लहसुन की और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर की फ्रेश प्यूरी। तड़के के लिए मैंने लिया है घी 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून बटर और हींग। हींग बहुत जरूरी है उड़द की दाल के डाइजेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं घर के कुछ सिंपल मसाले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में सारी सोक्ड दाल और राजमा का मिक्सचर ले लिया है। इसको मैं अच्छे से पानी डाल के एक बार कुक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पूरे 4 ग्लासेस पानी डाला है और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे विसल दूंगी फॉर 45 मिनट्स। जब आपका कुकर ठंडा हो जाए, आप कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाए तो आप ये कुकर खोलिए और देखिए हमारा राजमा एकदम गल चुका है, हमारी दाल भी एकदम पक चुकी है, लेकिन अभी ये एकदम घुटी नहीं है। हम इसको तड़के के साथ और पकाएंगे। तड़के के लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तब मैं उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालूंगी। जब हमारा बटर भी मेल्ट हो जाएगा तब मैं उसमें 2 तेज पत्ता डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। अब हमारा जब जीरा तड़क जाएगा तब मैं इसमें 2 प्याज की प्यूरी डाल दूंगी। इस प्यूरी को अच्छे से ब्राउन होने तक कुक करना है। सबसे ज़्यादा कुकिंग टाइम हमारा इसी में लगेगा, लेकिन हम पेशेंस रखेंगे तो हमारी दाल मखनी का टेस्ट और अच्छा आएगा। आप देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये कुक होना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से कुक नहीं हुआ है। हम इसको और कुक करेंगे और 5 से 10 मिनट के बाद टोटल हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसको कुक करने में। हमारा प्याज का पेस्ट एकदम ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, उसको भी हम अच्छी खुशबू आने तक कुक करेंगे। अब मैं इसमें अपने 2 टमाटर की फ्रेश प्यूरी डाल रही हूँ और ये प्यूरी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज लहसुन के साथ और इसको कुक होने देंगे। जब ये थोड़ी कुक होने लगेगी, बबल करने लगेगी, तब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि दाल में हमने थोड़ा कम नमक डाला था। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इससे ये अच्छे से कुक हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके कुक करूँगी फॉर 5 मिनट्स। अब आप देखिए इसमें कुक होना शुरू हो गया है, बबलिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें पूरा 1 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। हींग लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हींग की बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब मैंने इसको कवर करके कुक कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। आप देखिए 5 मिनट्स बाद घी छूटना शुरू हो गया है, पूरा हमारा घी ऊपर आ गया था। और इसमें अब मैंने अपना बॉइल्ड दाल और राजमा का मिक्सचर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें अभी इसको काफ़ी देर के लिए और कुक करना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अभी बहुत थिन नहीं है कंसिस्टेंसी। मैं इसको कवर करके और कुक करूँगी फॉर 45 मिनट्स। आप देखिए अब ये दाल और राजमा मसाले के साथ एकदम बहुत अच्छे से कुक हो गया है। 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आ गया है इसका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर
और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमारी दाल और राजमा को मैंने और 5 मिनट्स कुक करने के बाद अपनी सर्विंग डिश में निकाल लिया है। ये आप देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। इसको सर्व करने से पहले सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हाथ से मसल के कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इस पे एक डॉलप ऑफ बटर डालेंगे और थोड़ी सी घर की मलाई या क्रीम से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। हमारी दाल मखनी यमी टेस्टी क्रीमी एकदम रेडी टू सर्व है। सर्व विथ लॉट्स ऑफ लव। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं लच्छा पराठा या जीरा राइस के साथ। मैंने इसको यहाँ पे जीरा राइस के साथ सर्व किया है और विनेगर अनियंस के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर द वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड झटपट रेसिपीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेंडिंग फूडी जूही। बाय बाय एंड टेक केयर।